हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी ब्यूटी एक्सपर्ट रुखसार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा की मॉर्निंग नेक्टर की रिव्यू। जो कि मुझे ये बायोटिक प्रोडक्ट्स तो बहुत ही पसंद आते हैं, आपको पता ही होगा गाइज, और इसलिए मैं इसे परचेज करती हूँ, यूज़ करती हूँ और उसके बाद ही आपको अपने व्यूअर्स को रिव्यू देती हूँ। तो आज की रिव्यू शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मिस करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। और चलिए, और बेल आइकन पर क्लिक करें, और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें गाइस, अगर अच्छी लगें तो ही लाइक करें, वरना ना लाइक करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आज की बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर की रिव्यू शुरू करते हैं कि इसमें क्या और कैसा है, ये किस टाइप का है, मैंने इसे यूज़ किया है, मुझे क्या फ़र्क पड़ा, मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एक बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर जो कि एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर क्रीम है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये SPF 30 भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो है, ये जो मॉइस्चराइज़र है, इस पर 30 SPF UVA प्लस UVB सनस्क्रीन अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन है, जो कि फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। ये एक आयुर्वेदिक रेसिपी है, ये एक बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से ये बना होता है, ये 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से बना होता है। तो ये एक बायोटिक का प्रोडक्ट है जो कि आयुर्वेदिक है, 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है। और ये लोग क्लेम करते हैं कि ये नॉट अ कॉस्मेटिक, ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो चलिए दिखाते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है। ये एक वाइट कूड के पैकेट डब्बे में है और ग्रीन कलर के, ग्रीन एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है ये। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। तो देखिए ये किस टाइप का है, ये है इस टाइप का, और ये एक ग्रीन कलर, ग्रीन एंड वाइट कलर के बॉटल में है, जो कि अच्छा है। बट इसमें पंप होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। थोड़े से बायोटिक वालों को अपनी पैकेजिंग पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सारे चीज़ों को इसी तरह से बॉटल के कंटेनर में देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली भी होता है ये। बट पंप होने से थोड़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो ये एक, चलिए इसकी किसी भी स्किन टाइप वाले, अगर हो आप, चाहे नॉर्मल हो, ड्राई हो या फिर सेंसिटिव हो, ये सब पे वर्क करता है। ये एक 100% बोटानिकल है, ये केमिकल एंड पैराबन फ्री होता है। हम ये नहीं कहूँगी कि ये फुल्ली केमिकल फ्री होता है, केमिकल होते हैं इसमें बायोटिक प्रोडक्ट्स में, बट वैसे ही होते हैं जो कि जिसे हमारे स्किन को हार्श ना करें। जो विंटर्स के लिए ये एक मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र लेना चाह रहे हो किसी, मतलब केमिकल फ्री एंड पैराबन फ्री, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि कोई भी गर्ल एंड बॉय इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, ये सस्ता ही है। ये इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, ये ओनली 199 रुपीज़ का। और अगर आप इसे और भी सस्ते में ख़रीदना चाहते हैं तो हमेशा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे इसकी सेल चलती रहती है, जिस पे आप 22-25% डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाता है। तो ये मुझे भी डिस्काउंट में ही मिला था और मैंने भी इसे ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। तो गाइज, अगर आपको ये ऑनलाइन परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर लेना। तो ये एक बहुत ही अच्छा लोशन है। चलिए ये क्या क्या क्लेम, ये क्लेम करता है कि ये आपको एक एजलेस ब्यूटी प्रोवाइड करेगा, ये आपके स्किन को नरिश्ड करेगा, ये आपके स्किन को बहुत ही ब्राइटन करेगा। ये हर जो मॉइस्चराइज़र होते हैं, जो लोशन होते हैं, वो ये क्लेम नहीं करते, बट ये क्लेम करता है। और ये आपका, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें हनी है, प्योर हनी एंड वीट जर्म एंड स्वीट्स रिप्लेस नेचुरल ऑयल्स एंड रिप्लेनिश्ड लॉस्ट मॉइस्चर, सॉफ्टेंस एंड ब्राइटन स्किन फॉर नोटिसबली फेयरर कॉम्प्लेक्शन। ये आपके स्किन को फेयरर कॉम्प्लेक्शन भी देता है, और ये आपके स्किन को नरिश्ड करता है, प्लस ये आपके स्किन को यूवी रेज एंड यूवीबी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। और ये आपको SPF 30 सनस्क्रीन भी प्रोवाइड करता है। आपको इसके साथ किसी सनस्क्रीन को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद, तो आपको किसी भी सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे लगाओ और आप कहीं भी जा सकते हो। लेकिन हर 2 घंटे पर आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, ये मेरा कहना है। तो अगर आप ये जिस टाइम लगा रहे हो उस टाइम आप सनस्क्रीन ना भी लगाओगे तो चलेगा। तो और ये बताती हूँ कि इसे अप्लाई कैसे करना है। इसे अप्लाई करने का ये तरीका है कि जब भी आप सुबह उठते हो तो आप अपने फेस को वॉश करते होगे। फेस को वॉश करने के बाद डायरेक्ट बस यही एक लोशन आप लगा लो,
और अगर उसके बाद मेकअप करना चाहते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम मेकअप के पहले मॉइस्चराइजर तो अप्लाई करते ही हैं, बट ये करोगे तो ये आपको SPF 30 भी प्रोवाइड करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में है घृत कुमारी है, और इसमें मेथी सीड्स है, इसमें मधु है हनी है, और इसमें है अंकुरित गेहूं ऑयल, और इसमें है कुसुम्बी ऑयल जो कि ऑयल्स का इसमें ब्लेंड है, और इसमें है चिनाई घास जेल, और इसमें है मूंगफली ऑयल, और इसमें प्योरीफाइड वाटर है जो कि बहुत ही अच्छा ब्लेंड है। ये एक नेचुरल बहुत ही अच्छा ब्लेंड है जो कोई हर कोई भी जो भी लोग नेचुरल चीज़ों पर यकीन रखते होंगे, जो भी लोग केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते होंगे, ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो गाइज आप इसे एक बार यूज़ करें और ख़ुद देखें, ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है। ये मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। ये एक देखिए क्रीम कलर के कैप के बॉटल में है और बिल्कुल ही इस तरह का है, और आप देख सकते हैं मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये किस तरह का निकलता है। देखिए ये बिल्कुल इस तरह का निकलता है गाइस, ये एक बहुत ही क्रीमी फॉर्म में है, बहुत ही क्रीमी फॉर्म में, और इसकी स्मेल बहुत ही फ्रूटी एंड फ्लावरी टाइप की है जो कि आपके स्किन में जाकर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है, और ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है आपके स्किन में, और ये आपको बहुत ही अच्छा एकदम शाइनी लुक देता है ये आपके स्किन पे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरह से आपके स्किन को शाइनी लुक देता है।